बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग इन करके, यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ साथ अपना प्रश्न आप मुझे लिखकर भी भेज सकते हैं। आज है 5 जुलाई 2022 और दिन है मंगलवार का, और साथ साथ अगर देखा जाए तो आज के पंचांग की हम बात करेंगे। आज का पंचांग रहेगा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी और आज छठा नवरात्रा भी मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये तिथि जो है 7:28 पे शाम के समय में समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो है सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें नक्षत्र की, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा सुबह 10:30 तक, और इसके बाद जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। वहीं पर राहुकाल की बात करें तो राहुकाल का समय रहेगा 3:52 दोपहर से लेकर के 5:32 तक का, तो इस दौरान आपको किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं करना है। चंद्रमा जो रहेंगे शाम के 5:52 तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद जो है कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज मनाया जा रहा है छठा नवरात्रा, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत ही खास रहेगा। और अगर हम बात करें आज के दिन की, तो मंगलवार का दिन है। वैसे भी जो दिन होता है मंगलवार का, वो संकट मोचन दिन माना जाता है, और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से जीवन में हर तरह के संकट जो है वो समाप्त हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपको जो है शक्ति प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं छठे नवरात्रि पर पूजा करने का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि इस समय पे चल रहे हैं, कुछ लोग इस समय पे पूजा आराधना करते हैं, घट स्थापना करके माता को बिठाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतर रहेगा कि इस दौरान जो है आप लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके अलावा जो है आप लोग इस समय पर दान करें ताकि आपको पुण्य लगे। तो चलिए बात करेंगे क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स, क्या कहते हैं करिश्मा के करिश्माई पत्ते। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। तो मेष राशि के लिए कार्ड आए हैं 5 of Wands, हर्मिट कार्ड आया है, और कार्ड आया है 6 of Pentacles का। देखा जाए तो आज का दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा, मगर लड़ाई झगड़ों से बच के रहने की ज़रूरत है इस समय पे। हो सकता है किसी को आप अननेसेसरी एडवाइस दें और किसी को बुरा लग जाए, आपकी कोई बात बुरी लग जाए, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना है, ज़्यादा लाभकारी रहेगा। धन का लेन देन आज के दिन ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। मंगलवार का दिन है, तो आज के दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करना, उनको गुड़ का प्रसाद, गुड़ का भोग जो है ज़रूर लगाएं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। तो वृषभ राशि के लिए कार्ड आए हैं 6 of Wands, द फूल, और साथ साथ किंग ऑफ सॉर्ड्स का। देखा जाए तो आज नए कार्य आज आप कर सकते हैं, तकदीर का नया दरवाजा आपके लिए खुल सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें, आज नौकरी मिलने की संभावना बन रही है, प्रमोशन होने की संभावना बन रही है, तो दिन काफी हद तक आप लोगों का आज का अच्छा जा सकता है। वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा यदि आज के दिन जो है आप लोग भगवान हनुमान की उपासना करें, और साथ साथ उनको जो है मोगरे के पुष्प जरूर अर्पित करें। चलिए बात करेंगे अगली राशि, हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लिए कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज कोई नया कार्य हो सकता है, इसके अलावा संतान प्राप्ति की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति भी हो सकती है। कोई महिला आपके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगी, ये महिला आपकी माता, आपकी बहन या फिर आपकी अर्धांगिनी हो सकती है। आज स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने का समय है, आज किसी भी चीज़ को लेकर के टालम टोली ना करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। करियर में आपको आज लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे आप लोगों के उपाय की, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा बनारसी पान लौंग का जोड़ा लगा करके हनुमान जी को अर्पित करें। बात करेंगे अगली राशि कन्या की, क्षमा कीजिएगा कर्क राशि के जातकों की। तो कर्क राशि के लिए कार्ड आए हैं व्हील ऑफ
फॉर्च्यून जस्टिस कार्ड आया है, फोर ऑफ वॉन्स कार्ड आया है, देखा जाए तो आज भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। वहीं पर अगर देखा जाए तो आज हर कार्य को सही तरह से आप कर सकते हैं, अच्छी तरह से जज कर सकते हैं। अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो उस चीज़ में आपको आज विजय प्राप्त हो सकती है, कोई अच्छा डिसीजन आज आपके लिए जो है निकल करके आ सकता है, तो दिन काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। परिवार के साथ समय जरूर बिताएंगे, आपके लिए सही रहेगा। आज के दिन जो है खीर का भोग हनुमान जी को लगाएं, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की, तो सिंह राशि के लिए कार्ड आए हैं द लवर्स, किंग ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। तो देखा जाए आज का दिन काफी हद तक इमोशनली बहुत अच्छा रहने वाला है। लवर्स कार्ड आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर शो हो रही है कि एक मेंटली सेटिस्फेक्शन बनी रहेगी, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो अपने पार्टनर से आज के दिन आपकी मुलाकात हो, तो काफी हद तक आज का दिन अच्छा रहेगा। करियर में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, आपके लिए सही रहेगा। आज के दिन हनुमान जी को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। बात करेंगे अगली राशि कन्या की, तो कन्या राशि के लिए कार्ड आए हैं सेवन ऑफ सॉर्ड्स, वहीं पे एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। देखा जाए तो आज का दिन करियर को लेकर के कुछ नया हो सकता है, मगर अपनी लापरवाही की वजह से अपॉर्चुनिटीज खो सकते हैं, ऐसा ना करें। लव रिलेशनशिप में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई गलत कार्य जान पूछ कर आप कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा आज का दिन जो है चमेली के तेल का दीपक हनुमान जी के समक्ष जरूर जलाएं। बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, तुला राशि के लिए कार्ड आए हैं द एम्प्रेस, साथ साथ टू ऑफ वॉन्स, द मून का कार्ड आया है। किसी चीज को लेकर के स्ट्रेस आउट रह सकते हैं बहुत ज्यादा, किसी पे विश्वास करके ना चलें, धोखाधड़ी होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा द एम्प्रेस कार्ड आया है जो कि कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है आज आप धन अधिक खर्चा करेंगे, चाहे वो अपने ऊपर करें, चाहे अपने घर के ऊपर या अपने घर के सदस्य के ऊपर करें, तो थोड़ा सा धन पर आज जो है रोकथाम लगा करके चले ज्यादा अच्छा रहेगा। केवड़ा आज के दिन हनुमान जी को जरूर अर्पित करें। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की, तो वृश्चिक राशि के लिए कार्ड आए हैं थ्री ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, द हैंगमैन कार्ड आया है। पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, आज का दिन लेन देन ना करें। इसके अलावा आज जो है कुछ फैसले भगवान पर छोड़ना सही रहेगा, धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपके उपाय सही रहेगा आज का दिन जो है तांबे का पात्र हनुमान मंदिर में दान करें, लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे अगली राशि, हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों की, तो धनु राशि के लिए कार्ड आए हैं द हाई प्रेस्ट्रेस, शासक कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स और एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आज टफनेस बनी रहेगी किसी कार्य को लेकर के। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज के दिन आपके जीवन में बदलाव जरूर आएंगे, मगर ये बदलाव एक महिला लेके आ सकती है, महिला उम्र में बड़ी हो सकती है, महिला आपकी माता या आपकी माता जैसी कोई महिला आपके जीवन में हो, उनका ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, मगर काम को लेकर के थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है। आपके लिए सही रहेगा आज के दिन सरसों का तेल दान करें। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की, मकर राशि के लिए कार्ड आए हैं सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आज जल्दबाजी में कोई कार्य कर सकते हैं, इसके अलावा आज किसी पर विश्वास करके ना चले ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो धोखाधड़ी होने की संभावना बन रही है। धन का नियंत्रण लगा करके चले, नहीं तो अधिक से अधिक धन खर्चा हो सकता है। आपके लिए उपाय क्या रहेगा, मकर राशि के जातकों के लिए उपाय रहेगा आज के दिन लौंग और कपूर से हनुमान जी की आरती करें। बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की, तो कुंभ राशि के लिए कार्ड आए हैं फोर ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखा जाए तो आज नए सोच विचार मन में आएंगे, मगर सोच विचार नकारात्मक हो सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, तो इन सब चीजों पे थोड़ा रोकथाम लगा करके चलिएगा। भगवान बिल्कुल साथ देता है अगर आप मेहनत करते हैं, तो इसलिए नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिएगा। आज के दिन हनुमान जी को सुपारी अर्पित कीजिएगा। बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के जातकों की, तो मीन राशि के लिए कार्ड आए हैं सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड आया है। पुरानी गलतियों को सुधारने के नए अवसर प्राप्त होंगे, धन राशि प्राप्त होगी, आज ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं फैमिली के साथ या किसी कार से भी, तो आज का दिन काफी हद तक अच्छा रहेगा। बस जरूरत है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की, आज का दिन आपके लिए उपाय सही रहेगा यदि आज के दिन हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं। चलिए बात करेंगे अंतिम टिप ऑफ द डे की, माँ कात्यायनी की पूजा आराधना आज के दिन जरूर करें। माँ कात्यायनी को आज के दिन काजल अर्पित करें और साथ साथ हनुमान जी को आज के दिन जो है आप अगर चाहते हैं आप हर तरह के बुरे प्रभावों से दूर रहें, शत्रुओं से दूर रहें, तो आज के दिन बजरंग बाण का पाठ करें और साथ ही साथ आज 11 या 21 पत्तों की माला बना करके पीपल के उनपे राम नाम लिख करके अर्पित करें, बहुत लाभ प्राप्त होगा और साथ साथ भोग में जलेबी का प्रसाद लगाएं।
फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए करिश्मा के पत्ते, केवल आस्ट्रो। नमस्कार, जय श्री।